नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब मात्र 2 दिन बचे हैं आप लोगों के एग्जाम में। बहुत लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, और विश्वास रखें एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, रिवीजन की कड़ी चल रही है, तो अंतिम रिवीजन की एक क्लास ये भी अब देनी जरूरी थी। वैसे आप लोगों से मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि आज कंडीशन थोड़ी सी अपने प्रतिकूल थी, लेकिन फिर भी जो है क्लास शुरू करते हैं। चलिए साथियों, बातें अपन एग्जाम के बाद बहुत कर लेंगे सारी चीजें, अभी अपन फोकस करते हैं सीधे ही रिवीजन पे। अपलोड क्लासेस हैं, कहीं भी लाइव के माध्यम से आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, सीधे आते हैं अपन, फोकस करते हैं इस पे। अच्छा, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों राजस्थानी भाषा की प्रमुख कृतियां। ठीक है, राजस्थानी भाषा की प्रमुख कृतियां पढ़ेंगे। वैसे राजस्थानी भाषा पूरी मैंने पढ़ा रखी है कृतियां, और पूरा ही इसका साहित्य करवा रखा है, लेकिन एक रैपिड रिविजन की दृष्टि से कुछ कृतियों को और कुछ फैक्ट को वापस देखते हैं, ताकि एक बार वापस से अपना रिविजन हो जाए फास्ट फास्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले यदि बात करें, अब भी राजस्थानी भाषा दिवस या मातृभाषा दिवस, मारवाड़ी भाषा दिवस, ठीक है, आप कह सकते हो मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा दिवस। ठीक है, दिवस गया है अभी ही 21 फरवरी, ठीक है ना, ये गया है। अच्छा, मारवाड़ी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो किया था वो अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है ना, किसके लिए, मारवाड़ी के लिए, मारवाड़ी के लिए राजस्थानी शब्द का पहला प्रयोग ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है, जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में इन्होंने सबसे पहले राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण दिया, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसमें जो है, एक तो देखो मारवाड़ी चलती है, एक तो आपके मारवाड़ी, और एक ध्यान रखना जैसे कि ब्रज भाषा का अंश आता है, ये तो है आपके किससे, प्राकृत से, आप इसको मान लीजिए प्राकृत से, और ये जो है संस्कृत से, संस्कृत से उत्पत्ति है, ठीक है ना, ये सारी चीजें अपन पढ़ के आए हैं। संस्कृत से उत्पत्ति ब्रज भाषा वाली है, ठीक है ना, और ये है अपने प्राकृत से उत्पत्ति है मारवाड़ी भाषा वाली, तो ये चलिए थोड़ा सा है। वैसे मारवाड़ी भाषा का जो अपभ्रंश है वो सौर सैनी से शुरू हुआ, सौर सैनी से गुजराती, गुर्जरी, गुर्जरी से फिर आपके राजस्थानी भाषा, और इस तरीके से ये चला है। अब अपन बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या आएगी आपके, इसमें तो आएगी मारवाड़ी वाली, ये जो है ना इसमें आएगी आपके पिंगल, ठीक है ना, पिंगल, और इसमें आएगी डिंगल, के गलत बता रहा हूं मैं, हाँ इसमें आएगी डिंगल, इसमें आएगी डिंगल, ठीक है ना, हाँ, और यहां पे आएगी ब्रज वाली में आएगी पिंगल, ठीक है, ये सही है, आप इसमें आएगी पिंगल, इस तरीके से इनका उद्भव हुआ है। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं साथियों अपनी इस क्लास को, प्रमुख कृतियां अपन पढ़ते हैं, ठीक है, एक क्योंकि अपने क्लास जो है फास्ट फॉरवर्ड ही चलेगी, अपने समय को बचाने की दृष्टि से एक बार फास्ट रिविजन हो जाए आपका। राजविलास, ठीक है, जैसा कि इसके अंदर नाम है, इसके अंदर राज सिंह जी का ही उल्लेख मिलेगा, ठीक है, राज सिंह जी का उल्लेख मिलेगा, लिखी है मान सिंह या मान कवि भी इसे कहा गया, पिंगल भाषा में लिखित ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के जीवन का मतलब वर्णन है पूरा का पूरा। कौन से राज सिंह जी, राज सिंह जी वही जिन्होंने किससे पंगा लिया, औरंगजेब से, ठीक है ना, औरंगजेब से संघर्ष करने वाले, ठीक है, चारुमती वाली आपको बताई थी सारी स्टोरी, टीका दौड़ का आयोजन किया इन्होंने, ये वही राज सिंह जी है, ठीक है। चलिए, भाषा भारत नाम की जो रचना है वो खेतसी द्वारा लिखी गई है, ये जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आश्रित कवि थे, इन्होंने महाभारत के पर्वों का 18 पर्वों का सारांश डिंगल भाषा के अंदर लिखा, जो भाषा भारत के नाम से, देखो भारत, ये भारत से, ये भारत याद रखना, और महाभारत की जगह पे आपको भाषा भारत याद रखना है, और किसने, खेतसी ने, ठीक है। चलिए, ज्ञान समुद्र, स्वप्न प्रबोध, अद्भुत उपदेश बावनी, और उपदेश बावनी और बारह मासो, ये जो है सुंदरदास जी द्वारा रचित है, और सुंदरदास जी किसके शिष्य थे, संत दादू के शिष्य, संत दादू दयाल के, दादू के शिष्य थे, ठीक है ना, शिष्य थे, इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहा गया, क्या कहा गया, दूसरा शंकराचार्य भी इन्हें कहा गया, इन्होंने नागा शाखा की, नागा शाखा के प्रवर्तक ये माने गए, इन्होंने नागा शाखा चलाई, ठीक है ना,
नागा शाखा के। इनका जन्म सांगानेर, अच्छा सांगानेर में रज्जब जी का भी जन्म हुआ है, रज्जब जी का भी जन्म हुआ है, ठीक है ना, जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, ये भी संत दादू के शिष्य थे। सुंदरदास के कई शिष्य थे जिनमें से दयाल दास, श्यामल दास, दामोदर दास, निर्मल दास और नारायण दास मुख्य थे, और इन पांचों के थाम्बों को बड़े थाम्बे कहा गया। वैसे दादू के जो शिष्य थे वो स्तंभ कहलाते थे, 152 थे जिसमें से 52 प्रमुख स्तंभ कहलाते थे, ठीक है ना, इस तरीके से ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप, तो ये सुंदरदास जी के बारे में भी आप ध्यान रखें, ठीक है, थोड़ा सा हाँ यहां ले लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। चलिए, नाथ चरित्र नाथ पुराण किसके द्वारा, मानसिंह जोधपुर, मानसिंह जोधपुर वाले, जोधपुर, क्योंकि इनके ऊपर नाथ संप्रदाय का प्रभाव रहा था, मानसिंह जोधपुर वाले, ये देखो जोधपुर नरेश थे, नाथ संप्रदाय के भक्त थे, आयसदास जी के, ये आयसनाथ जी के शिष्य थे, इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था बाद में, ठीक है ना, और इन्होंने जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की भी स्थापना की। ग्रंथ इनके जो प्रमुख थे उसमें नाथ स्रोत, नाथाष्टक, जलंधर चंद्रोदय, जलंधर ज्ञान सागर आदि, ये सारे के सारे किसके हैं, इन्हीं के मानसिंह जी के ही हैं। अलंकार रत्नाकर ये है दलपति राय और बंसीधर, ठीक है ना, बंसीधर को आप बंसीधर इस तरीके से भी लिख लेना। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की आज्ञा से अलंकार रत्नाकर ग्रंथ की रचना की, जो महाराजा जसवंत सिंह ग्रंथ भाषा भूषण की टीका है, यानी कि भाषा भूषण किसकी रचना है, जसवंत सिंह जी की रचना है। अच्छा, इसमें से जैसे कोई नई रचना भी आपको दिखती है तो लोड मत लेना, या बहुत सारी किसी लेखक की दिख जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको रट्टा नहीं मानना है, सिर्फ एक दो बार नजर मार लेना इनके ऊपर, और यदि ऑप्शन में आपको कुछ यूनिक दिखेगा तो आप उसके उत्तर तक आराम से पहुंच जाओगे, किसी तरह का लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेह तरंग ये बहुत बार पूछा गया है, ये एक तरह का रीति ग्रंथ है और ये बुद्ध सिंह द्वारा रचित है, और बुद्ध सिंह कौन थे, ये बूंदी के नरेश थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष में बहादुर शाह की विजय इनके कारणों से हुई थी, ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय है। अच्छा, नेह तरंग याद आता है तो नेह निधि भी याद रखना, प्रेम संकट, भावना प्रकाश और राम रहस्य, ये सुंदर कुंवरी द्वारा रचित है, और ये कौन थी, ये किशनगढ़ के महाराजा राज सिंह की पुत्री थी और विख्यात भक्त कवि नागरीदास इनके भाई थे, ठीक है ना। अब नागरीदास जी का संबंध कहां से था, किशनगढ़ से था, आप सभी जानते हैं। बुद्धि रासो जल भी, जल द्वारा भी लिखित है और जान कवि द्वारा भी लिखित है, ठीक है ना, बुद्धि रासो जान कवि द्वारा भी लिखित है, बुद्धि सागर भी लिखित है जान कवि द्वारा, ठीक है। इसकी भाषा अभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा है, ठीक है। चलिए, अवतार चरित्र नरहरि दास द्वारा लिखित है, तुलसीदास जी के रामचरित मानस तथा केशव के रामचंद्रिका को सामने रखकर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। मान लो ऐसा फैक्ट भी पूछा जाता है तो आप उसके उत्तर तक पहुंच पाओगे, ठीक है, इसीलिए ये क्लास देनी मेरे लिए बहुत आवश्यक थी। राजरूपक वीर भान की रचना है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है, ये अपन ने राजस्थान के परिचय में भी पढ़ा था। डिंगल भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इस ग्रंथ का मुख्य विषय जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार शेख बिलद खां की लड़ाई है, ठीक है। चलिए, राजियारा सोठा कृपा राम द्वारा लिखा गया है, याद ऐसे रखना कि यदि कोई राजा का शासन है तो कृपा किसकी चाहिएगी, राजा की चाहिएगी, तो राजा का कृपा है, ठीक है ना, राज्य का कृपा है। राजियारा सोठा जो है कृपा राम द्वारा है, ये जोधपुर निवासी चारण थे, इन्होंने राजिया नाम के नाम से डिंगल भाषा में सोठों की रचना की। रजिया एक पात्र चयनित किया था इन्होंने और उसको संबोधित करते हुए सारे सोठे लिखे थे। डोला मारू रा दुहा, देखो डोला मारू रा दुहा है ना, उसमें याद रखना है आपको कवि कल्लोल, ठीक है, कवि कल्लोल, और डोला मारू री चौपाई के अंदर याद रखना है कुशल लाभ, दोनों के अंदर ध्यान रखना, डोला मारू रा दुहा कवि कल्लोल और डोला मारू री चौपाई कुशल लाभ, ठीक है। माधवानल और काम गंदला जो है ये भी इनकी ही कुशल लाभ की रचना है, इसकी भाषा गुजराती मिश्रित राजस्थानी भाषा रही है, ठीक है। सुजान चरित्र सुजान सिंह जी के बारे में ही है, ये सुदन द्वारा लिखी गई है। हिंदी के वीर रस के कवियों में चंद्रवरदई, अब चंद्रवरदई सभी जानते हो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र थे, चंद्रवरदई के पश्चात सुदन को ही वीर रस का सर्वोत्कृष्ट कवि माना जाता है और ये भरतपुर के राजा सूरजमल के आश्रित कवि थे और भरतपुर के ही सुजान सिंह जी के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। चंद्रवरदई के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, पृथ्वीराज रासो वगैरह आप सब जानते हो, जलन ने पूरी की और फिर वो पृथ्वीराज चौहान को ये कहा था ना, चार बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रदान ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ये इस तरीके से ये वो अपने कौन थे, चंद्रवरदई, ठीक है। राजस्थान का
दुहा राजस्थान का दुहा नरोत्तम दास द्वारा है। इस रचना हेतु इन्हें मानसिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरिभूषण महाकाव्य कवि गंगाराम, याद ये ऐसे याद रखना कि गंगा किनारे हरी हरी घास, ठीक है, गंगा किनारे हरी हरी घास, तो गंगा किनारे क्या है, हरी हरी, याद रखना, हरिभूषण महाकाव्य कवि गंगाराम द्वारा 1653 से 1655 के बीच लिखित यह काव्य देवलिया के महारावत हरि सिंह तक के राजाओं से इतिहास पर प्रकाश डालता है। चलिए केशर विलास, अच्छा केशर विलास पहला नाटक भी है राजस्थानी भाषा का, पहला नाटक रहा है राजस्थानी भाषा का। बुढ़ापा की सगाई ये किसके द्वारा लिखित है, शिवचंद्र भरतिया द्वारा। आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक कनक सुंदरी इनकी रचना रही है, और कनक सुंदरी आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास भी रहा है, शिवचंद्र भरतिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, समय की बहुत ही ज्यादा कमी है और ऊपर से विवाह की मार, विवाह करा दूजा लेकिन जानो पड़े अपान जरूरी है, ठीक। चलिए देखो ये कुछ रचनाएं आपको शायद नहीं लगेगी तो, लेकिन उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, एक दो बार नजर मार लेना बस, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बोली हरजस भावनी राजस्थानी कहावतें राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद, ये कन्हैया लाल सहल द्वारा रचित है। इनका जन्म 1968 में नवलगढ़, नवलगढ़ कहाँ है, झुंझुनू के अंदर। इनके लेखों के संग्रह का नाम समीक्षांजलि है, अच्छा प्रश्न है, यदि बनता है फिर आपको जो कुछ यूनिक दिखता है ना वो शायद यही होते हैं, ठीक है। अहलकारों को ओलमा ये श्रीनाथ मोदी द्वारा रचित है और इस कृति पर किसी कारणवश प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। प्रीति लता नीति मंजरी श्रृंगार मंजरी वैराग्य मंजरी ब्रजनिधि पद संग्रह ये जो है प्रताप सिंह, अब प्रताप सिंह जो है ब्रजनिधि से ही कविताएं लिखते थे। प्रताप सिंह कौन से, जयपुर के शासक, जयपुर के शासक ये वही जिन्होंने हवा महल बनाया, ठीक है, तुंगा तुंगा का युद्ध हुआ था ना, एक तुंगा का युद्ध, कविता में अपना नाम ब्रजनीति लिखते हैं, ठीक है। चलिए खेजड़ी का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी कहां है, झुंझुनू के अंदर, कहां है, झुंझुनू, खेतड़ी तांबे के लिए जाना जाता है। खेतड़ी नरेश विवेकानंद और तिलक गाथा ये किसने लिखा है, पंडित जाबरमल शर्मा ने, और पंडित जाबरमल शर्मा जी का जन्म खेतड़ी में ही हुआ। इन्हें पत्रकारिता का भीष्म कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती दोरारी पाथल और पीथल, पाथल और पीथल में पृथ्वीराज और महाराणा प्रताप का उल्लेख है। लीलटास निग्रंथ और शब्द कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ 1919 में और वर्ष 2008 में इनका निधन हुआ। और याद रखना इस शब्द रचना के लिए इन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला था, सूर्यमल मिश्रण, ये पूछा गया है एक बार कि सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कौन सी रचना के लिए मिला था, पुरस्कार इन्हें मिला था, ठीक है। उमंग, उमंग जो है मेघराज मुकुल की कहते हैं कि प्रथम रचना, इन्होंने सेनानी के नाम से कविता भी लिखी है। रेंगती है चींटियां, अच्छा प्रश्न है, जबरनाथ पुरोहित, ठीक है, यूं याद रख दो जबरी ही रेंगे चींटियां, चींटियां कड़ी चींटियां मत चढ़ जाए थान ध्याने हाल जबरो हो जाए, तो जबरी ही रंगे चींटियां जबरनाथ पुरोहित रेंगती है चींटियां। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार इन्हें दिया गया, ठीक है। ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, प्रेम सागर, रामगुण सागर ये प्रताप कुवरी बाई द्वारा रचित है। इनका जन्म जोधपुर में हुआ और इनके अन्य ग्रंथ जो है हरिजन रामचंद्र नाम महिमा आदि इनके अन्य ग्रंथ है। चलिए बापू डायरी के कुछ पन्ने, यहाँ पे बीच में लगाना कुछ, ठीक है, बापू डायरी के कुछ पन्ने रुपए की कहानी ये घनश्याम दास बिड़ला द्वारा रचित है। इनका जन्म संवत 1948 के अंदर पिलानी झुंझुनू में हुआ और अन्य ग्रंथ जो है इनके बिखरे विचार कर्जदार से साहूकार आदि। अच्छा बापू तो इनकी रचना है लेकिन एक बापू के तीन हत्यारे वो विज्जी की रचना है, विज्जी यानी विजय दान देता, वो भी ध्यान रखना। बोल बारमली सत्य प्रकाश जोशी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है ये भी ध्यान साथ साथ में रखना है, ठीक है। चलिए बोल बारमली तक पढ़ लिया ना, अब ले लेते हैं इसको ऊपर, ठीक। मडानी कोई काम जबरदस्ती करावा जाना क्या है ना, मडानी तो मडानी और धूरपट अलाम जोधपुरी जुगल परिहार की रचना है ये, और इसके अंदर ध्यान रखें माणक जुगल परिहार इस राजस्थानी पारिवारिक साहित्य मासिक पत्रिका के संपादक रहे, किसके, माणक के, ठीक है। ये सारी वैसे बहुत सारी इस ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में कराऊंगा वही साहित्यिक कृतियां हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी है, वन लाइनर के अंदर पूरा ही निचोड़ दिया और लगभग सभी दिए कृतियां जो आप निरंतर पढ़ते भी आ रहे हो, आपने बार बार रिवाइज भी की है। ये अंतिम दौर पे ये क्लास है कि कई बार सुनने से और देखने से चीजें याद रह जाती हैं,
तो इसलिए ये क्लास रिवीजन के तौर पे और काफी सारे अच्छे फैक्ट इसमें शामिल किए गए, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी, ठीक है ना। इसलिए है कीर्ति श्रृंगार, ये चंद्रकला की रचना है, इन्हें वसुंधरा रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसे? चंद्रकला। परंपरा, नारायण सिंह भाटी की रचना है, इन्होंने परंपरा का संपादन किया था, ठीक है। परमार्थ विचार, अनुभव प्रकाश, चतुर सिंह की, अनुभव होगा तभी तो चतुर होगा ना, तो अनुभव प्रकाश चतुर सिंह की रचना है। मीरा के बाद मेवाड़ में सबसे अधिक लोकप्रिय हुए चतुर प्रकाश ग्रंथ की रचना भी की। अबलाओं का इंसाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम नाटक रचना का सूत्रपात किया। इनके द्वारा 1972 में प्रकाशित उपन्यास अबलाओं का इंसाफ राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास माना जाता है, पहला हिंदी उपन्यास माना जाता है, ध्यान रखना शब्दों का फेर है। हाँ मेरा चांद, चांद कहाँ होगा? आकाश में होगा, और आकाश में यानी कि भगवान कहाँ होंगे? हरि और राम कहाँ होंगे? आकाश में भगवान वहां होंगे तो हरि राम मीणा। हाँ मेरा चांद, इस पुस्तक के लिए मीरा पुरस्कार दिया गया और ये जयपुर निवासी। क्षणावश्यक बालबोध तरुण प्रभु द्वारा रचित है, राजस्थान के प्रथम प्रौढ़ गद्यकार इन्हें माना जाता है। वाद द्वार कल्याणमल लोढ़ा द्वारा है, बिहार पुरस्कार वर्ष 2001 इन्हें दिया गया। राग रत्नाकर ग्रंथ राधा कृष्ण द्वारा रचित है, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण भी इसे कहा गया है। देखो जनानी ड्योडी जमारो हजार घोड़ों का सवार और हूं घोड़ी किण पिवरी, ये रचना है यादवेंद्र शर्मा चंद्र की, ठीक है। 3 मार्च 2009 को इनका निधन हो गया था। इन्होंने 100 से अधिक साहित्यिक कृतियों का सृजन किया। इनका जन्म 15 अगस्त 1932 को बीकानेर में हुआ था और चंद्र की लिखी पहली, चंद्र इनकी उपाधि थी, चंद्र की लिखी पहली राजस्थानी रंगीन फिल्म लाज राखो रानी सती और बांग्ला फिल्म अवैध काफी चर्चित रही। अन्य ग्रंथ के अंदर मैं वही हूं, खम्मा अन्नदाता, दिया जला दिया बुझा, खून का टीका, जमीन का टुकड़ा, जंजार, मैं अश्वत्थामा, तास का घर, महाराजा, शेख चिल्ली, चुप हो जाओ पीटर, आखिर पड़ाव, महाबली और बर्बरीक। अब थे तो गुरु जी थे तो पढ़ ली और माने याद करनी है। मैं वही कह रहा हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ एक नजर मारनी है आपको, एक से दो बार पढ़ना है। ये मत सोचना कि ये एक एक हमें याद ही हो, पढ़ना है एक से दो बार। यदि इसमें से कोई रचना आ गई, विश्वास करिए आपको याद आएगा वहां पे कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र बताया था सर ने, बस दो बार तीन बार इस पे नजर मार लेना सिर्फ कि हाँ ये रचनाएं हैं, ठीक है ना, क्योंकि सारा ही सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक। चलिए एक ये ध्यान रखना, आप लोग जड़ अंधे ने और मैथी काया मुलक थी धरती अन्ना राम सुदामा की है, मातोश्री कमला गोयन का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित ये रहे हैं, ठीक है। चलिए और भी रचनाएं हैं अपनी, तो इनको भी कर देते हैं फटाफट से, ताकि मैं जहां तक समझता हूं कई बच्चे कहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आओ, ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको दी थी और काफी सारे विद्यार्थियों ने अभ्यास किया, हजारों की तादाद में विद्यार्थियों ने अभ्यास किया है। अब यहां पे मैं ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आऊं तो ये जितने यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचनाएं बताइए ना, इसी में मैं आधा घंटा लगा सकता हूं, और मतलब क्या इतना सा मैटर मिलेगा। और यहाँ पे रिवीजन की दृष्टि से मैं सबसे अलग तरीके से क्लास आपको मिल रही है बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य ये है, ऑब्जेक्टिव आप खुद कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खेलने का मेरा कोई मानस है नहीं, मेरा मानस है वास्तविक रिवीजन करवाने का। तो ये जो है आपको मैटर बहुत सारा मिल रहा है, कम समय के अंदर ज्यादा रिवाइज हो, ये थ्योरी मैं लेकर चला हूं, क्योंकि मुझे फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है, मुझे वास्तविकता जो है विद्यार्थियों का सीधा जुड़ाव है तो सीधे जुड़ाव के अनुसार ही काम करना है। अजीतोदय जगजीवन भट्ट की रचना है, इसमें जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह और जसवंत सिंह राठौड़ की उपलब्धियों का वर्णन है, ठीक है। रंगीलो राजस्थान अस्तखली खाम मलखान की, अस्तखली अस्त अली खाम मलखान की रचना है, वर्ष 2000 का सावित्री देवी स्मृति राजस्थानी साहित्य पुरस्कार। राव अमर सिंह जी रादोहा और विवेक वार्ता केशव दास की रचना है, ठीक है, जोधपुर निवासी थे, डिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, गुण रूपक इस ग्रंथ के में जोधपुर के महाराजा गज सिंह के राज्य वैभव, उनकी तीर्थ यात्रा और युद्धों का वर्णन है, गुण रूपक भी इन्हीं की रचना है। अच्छा सिमरन संतोषा माया मोहन, ठीक है, वर्ष 2003 के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। जमी हुई झील, अरे राजस्थान में बात करें तो एक ही झील जम सके वह है नक्की झील, ठीक है, सावित्री परमार की रचना है, इस कथा संकलन हेतु इन्हें राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा मीरा पुरस्कार दिया गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रचना मातारी फुलवारी, ठीक है, सबसे पहले तो बताएं इसके अंदर
खंड जो है वो 14 है। पुरानी 10th की बुक में 13 खंड दिए थे, नवीनतम के अंदर 14 दे दिए गए, प्रश्न बना भी है, और एक जो है काफी सारे औद्यानिक पुस्तक में 12 भी दिए थे, लेकिन वर्तमान में एक प्रश्न बना था जिसके अंदर 14 ही ऑप्शन में था, 12 और 13 ऑप्शन में नहीं था, तो 14 खंड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। विजयदान देता द्वारा ये रचित है, राजस्थानी लोक कलाओं का संग्रह। इनका जन्म बोरुंदा, बोरुंदा कहां है, जोधपुर के अंदर, जहां रूपायण शोध संस्थान भी है। 1974 में केंद्रीय अकादमी से पुरस्कृत अन्य ग्रंथ इनके तोड़ो राव टीडो राव लोक कथाओं का ये चित्रण है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। भारतेश्वर बहुबली गोर वज्रसेन सूरी, यानी कि वज्र का प्रहार कैसा होता है, गोर होता है, तो गोर आए वहां ध्यान रखना, वज्रसेन सूरी। राजस्थानी भाषा में सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ माना जाता है मुच्छों वाले मामा जी, ठीक है। मैंने भी, मेरा भाणिया जो भाणे मुच्छों वाले मामा जी, क्या मैं कई बार पहले मुच्छ रखता हूं, ठीक है, तो मुच्छों वाले मामा जी, ठीक। अब मुच्छ वाला मामा जी देखो, भगवानों के देवताओं के राजा कौन है, इंद्र, तो इंद्र मतलब राजा है देवताओं के, तो मुछे रखने का अधिकार है, यूं समझ लो, तो इंद्रजीत कौशिक मुछों वाले मामा जी। इस पुस्तक की रचना के लिए शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया, और ये बीकानेर के रहने वाले थे। कानड़दे प्रबंध, अब ये बहुत बार पढ़ा है अपन ने, पद्मनाभ इतिहास के अंदर पूरा पढ़ते हैं, वीर रस प्रधान ग्रंथ है, राजस्थानी महाकाव्य के उपनाम से प्रसिद्ध है। जर्दे के हरे पत्ते हरे हो गए, चांद सैरी की रचना है, जर्दे के पत्ते हरे हो गए, चांद सैरी की रचना है। इस पुस्तक के लिए सोमनेश जोशी पुरस्कार दिया गया, और ये कोटा निवासी थे, ठीक है। श्रृंगार हार हम्बीरदेव चौहान की रचना है, रणथंभौर शासक, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम मेल राग का वर्णन मिलता है। चलिए कुछ और रचनाएं अपनी है जिनको भी अपन ले लेते हैं हाथों हाथ साथ ही साथ, ठीक। रागमाला, रागमंजरी और नर्तन निर्णय पुंडरीक विठल की रचना है। राजस्थानी व्याकरण सीताराम लालस की रचना है, 10 खंडों में ये लिखी गई है, और 2,00,000 से भी अधिक शब्द है इसके अंदर। राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश है। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास की है। इस ग्रंथ का महत्व संगीत क्षेत्र में के साथ साथ हिंदी साहित्य के निर्माण में भी है। कृष्णानंद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ संगीत का विश्वकोश माना जाता है, और कृष्णानंद व्यास को राज सागर की उपाधि मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा दी गई थी। That's all. विशल देव रासो, यहां ध्यान रख जो बिने रासो वीर रस की गाथाएं होती है, लेकिन यूं ध्यान रख जो वीर रस किन हुई तो कोई तो डर ही, तो बिने मारवाड़ी में क्या बिने, और अल्पट बहुत पड़ा है, तो आपको क्या याद रखना है, बी से तो ये और न से नरपति नाल, विशल देव रासो नरपति नाल। राजा विशल देव व राजा भोज की पुत्री राजमती के प्रेम कथा के रचयिता है। राधा गोविंद संगीत शास्त्र भी कह देते हो और संगीत सार भी कहा जाता है, वैसे ये राजा सवाई प्रताप सिंह था, लेकिन यहाँ पे भट्ट ब्रजपाल भट्ट द्वारा ये लिखी गई थी। किसके द्वारा, ब्रजपाल भट्ट द्वारा, मतलब इसमें बहुत सारे संगीत विद्वानों को बुलाकर ये रचना करवाई थी, तो उनसे इनकी रचना करवाई, जिसका प्रकाशन 1910 में किया, तो ब्रजपाल भट्ट जो इसके द्वारा लिखी गई थी सवाई प्रताप सिंह के समय की है, ठीक है। संगीत राज महाराणा कुंभा की रचना है, ये 5 कोशों में विभाजित है, और कुंभा पढ़ाया था मैंने आपको, इसको बताया भी था, ठीक है। गीत रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, रस रत्नकोश और पाठ्य रत्नकोश, और 5 के 5 भाग कुंभा पढ़ाया तब भी मैंने लिखवाया था। हम्बीर रासो पहले सारंगदत्त द्वारा भी लिखी गई और फिर जोधराज द्वारा भी लिखी गई है, ठीक है ना, जोधराज द्वारा भी लिखी गई। रणथंभौर के शासक हम्बीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का वर्णन है, ठीक है ना। भाव मंजरी नमक गमक मंजरी टीका अनूप विलास अनूप संगीत रत्नकार अनूप राग सागर अनुपांकुश अनूप संगीत वर्तमान अनूप रागमाला आदि जो है पंडित भाव भट्ट द्वारा लिखी गई है। इन्होंने बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह के समय इन संगीत ग्रंथों की रचना की। किसने, भाव भट्ट ने। खुमान रासो खुद से याद करो, ठीक है, कैसे याद करो, खुद से याद करो, खुद से खुमान रासो दस है दलपत विजय। इसमें मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से राय सिंह राज सिंह, इसको क्या करोगे, राज सिंह, राय सिंह नहीं, राज सिंह, राय सिंह बीकानेर में थे, राज सिंह तक की तक का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बुद्धि रासो, देखो मैंने आपको बताया भी था स्टार में जल की जगह कि जान कवि के द्वारा भी रचित है, फतेहपुर के कायम खानी मुसलमान जान कवि ने तंत्र पर आधारित इसकी ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में साथियों इतना ही था, तो वही चीज है जो कल अपन ने युद्ध वाली क्लास पढ़ी थी, प्रमुख युद्ध, उसी की तरह इसको भी युद्ध स्तर पे पढ़ा है। यदि कोई डेटा देखो फटाफट में पढ़ाया है, यदि फ्लो के अंदर कुछ डेटा मिसमैच हुआ हो तो कमेंट करके बता सकते हो, वैसे हुआ नहीं होगा क्योंकि काफी चीजें देख के ही ली गई है। लेकिन आज की जो क्लास है साथियों, वो आपको मैंने स्पष्ट बताया था कि
पूरा परिवार जो है शादी में जाने के लिए तैयार बैठा है, और मैं सिर्फ आपकी क्लास के लिए उनको भी रोक के रखा हूँ, और अब जो है मैं क्लास देने के बाद बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर चला जाऊंगा कि हाँ मैंने ये जिम्मेदारी भी पूरी की है और अब वो जिम्मेदारी भी पूरी आराम से कर सकता हूं। मतलब आत्मसंतुष्टि एक रहती है अंदर। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, किसी तरह का लोड नहीं लेना है, सेंटर पे समय से पहुंचने की व्यवस्था कर लेना, आराम से पहुंच जाना, किसी तरह के प्रलोभन या गलत रास्ते की तरफ देखने की सोचना तक मत। मैं आपको बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि अपने ईमान को बेचकर पाई हुई नौकरी से तो बेरोजगारी लाख गुना अच्छा है, ठीक है, इतने में सारा सार आ गया। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।